नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट पावर सेक्टर का वीडियो देख लिया होगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा सेक्टर पकड़ा है जिसको सीमेंट सेक्टर के नाम से लोग जानते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत जान है। जी हां, जैसा हमने सुना है कि इस सीमेंट में जान है। मैं किसी भी सीमेंट कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सीमेंट कंपनी लेनी है, वो सीमेंट कंपनी लेनी है। बट हां, मैं देश की 10 सबसे बड़ी सीमेंट कंपनीज की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा होगा तो दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों पार्ट को देखिएगा ताकि आपको सभी कंपनीज के बारे में डिटेल एनालिसिस मिल सके। और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि सीमेंट सेक्टर एक्चुअली है क्या, क्या हो रहा है इस सेक्टर के अंदर में। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुराने, तो मैंने कुछ एक साल पहले आपको कहा था कि इंफ्रा और पावर के अंदर जान आने वाली है, और इंफ्रा और पावर के अंदर वो खेल हो चुका है। दोस्तों फरवरी के महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने चुनिंदा 13 शेयर्स दिए थे, जो जिसमें इंफ्रा के बहुत सारे शेयर्स थे जो सबके सब भाग गए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि सीमेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। अगर आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी इंफ्रा हो रही है, अगर आप हाउस होल्ड इंफ्रा की बात करें, जिसमें हम कहते हैं कि अगर रियल एस्टेट की बात हो, या हम बात करें सड़कें बनने की, या बात करें डैम बनने की, या पुल बनने की, या कुछ भी बन रहा है जिसमें सीमेंट का बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आज की डेट में जितने भी हाईवेज हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें सीमेंट का भरपूर इस्तेमाल है। जितनी भी सड़कें बना रहे हैं उसमें हम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमेंट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में हैं, बट उनमें से 10 चुनिंदा कंपनीज हैं। तो अगर आप सीमेंट सेक्शन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि कौन से शेयर को आपके पोर्टफोलियो में रखना है। दोस्तों, यहां कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीमेंट सेक्टर को समझ लेते हैं कि सीमेंट सेक्टर है क्या। गाइस, स्क्रीन पे आपके डिटेल्स आ रही है, इनको समझिएगा, देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन द वर्ल्ड। आई होप आप इसे बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं मालूम थी, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं सीमेंट के। जब से सीमेंट डीरेगुलेट हुआ था 1982 के आसपास में, इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है। बहुत सारा एफडीआई इंडिया के अंदर आने लग गया है। इंडियन इन्वेस्टर्स ने तो पैसा लगाया ही है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा लगाया है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इसमें 20,000 एम्प्लॉइज से ज्यादा काम करते हैं अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द कंपनीज। ठीक है, अगर सीमेंट सेक्टर को और गहराई से देखने की कोशिश की जाए तो समझ में आएगा कि इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 7% ऑफ द ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। जी हां, इंडिया हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसके बारे में आपको कहता रहता हूं, एंड द सीमेंट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू लार्जली बेनिफिट फ्रॉम इट। दोस्तों, आने वाले 3 साल, सरकार के 3 साल बचे हैं, नए चुनाव आने में 2024 में इस देश का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में काम कर रही है, और उनके लिए जो मंत्री हैं मिस्टर नितिन गडकरी, मैं बड़े दिल से उनकी तारीफ करता हूं। क्या जबरदस्त वो काम कर रहे हैं। शायद वो इकलौते ऐसे मंत्री दिखाई देते हैं जिनका पूरा विपक्ष इज्जत करता है, जो कहते हैं करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वो इंफ्रा के रूप में जाने आते हैं। आप नितिन गडकरी कहें या उनको इंफ्रा मैन कहें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर काम करने वाले इंसान की इज्जत नहीं की जाए, उसकी तारीफ नहीं की जाए तो बेकार है। दोस्तों, ये सब आंकड़े अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो उनके प्रॉमिसेस हैं, अगर उनके भाषणों को सुनेंगे, उनके प्रॉमिसेस को सुनेंगे, बजट को सुनने की कोशिश करेंगे, जो काम वो कर रहे हैं अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट हाउ इंफ्रा विल परफॉर्म इन कमिंग 3 ईयर्स, एंड स्पेशली सीमेंट विल बी very very important part of it. Some of the recent initiatives such as development of 98 smart cities is expected to provide a major boost to the sector. Abhi tak smart cities ka announcement hua hai, kuch jagah banni shuru ho gayi hain, aur jis speed se kaam chal raha hai dosto, smart cities agar ye ban jati hain, jaise 100 ke aas paas smart cities ko kaha tha banengi, 98 banni baki hain, 2 bani hain, but agar agle aane wale 3 saal ke andar mein bahut zabardast kaam ho jaye to guys cement sector bahut bawal macha dega. Aap soch sakte hain wo kaise kya kar sakta hai. Cement sector ke bare mein aur dekha jaye to it is aided by suitable government foreign policies. Ji haan, foreign policies उसको सूट करती हैं, उसको फेवर करती हैं। सेवरन फॉरेन प्लेयर्स सच एज लफार्ज, आपने सुना ही होगा, एड में आपने देखा होगा, हाइडलबर्ग सीमेंट आपने सुना होगा, फॉरेन सीमेंट है, विकट है, दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंट्री इन द रीसेंट पास्ट। A significant factor which aids the growth of the sector is ready availability of raw materials for making cement such as limestone and coal. दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान कोल और लाइमस्टोन के लिए भरमार है। जी हाँ, जिससे सीमेंट बनाई जाती है उसका खनिज है हमारे पास में, जो उसका खदान है, उसका जो भंडार है वो दुनिया को हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं सीमेंट सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में। सीमेंट प्रोडक्शन रीच 329 मिलियन टन्स, यस, मिलियन टन इन FY20 पिछले साल, एंड इज प्रोजेक्टेड रीच 380 मिलियन टन बाय FY22। आप सोच सकते हैं क्या शिफ्ट होने वाला है, 60 टन एक्स्ट्रा बनने वाला है, मतलब 20% के आसपास का तो इसमें
प्रोडक्शन में इजाफा होने वाला है. हाउएवर द कंजम्पशन स्टूड एट 327 मेट्रिक टन इन FY20 एंड विल रीच 317 बाय FY22. दोस्तों जबरदस्त कंजम्पशन भी होने वाली है. सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड टू टच 550 मेट्रिक टन बाय 2020. देखिए 2020 में हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना हो सकता है, कोविड की वजह से ही थोड़ा सा हिट हो गया होगा, तो हम 2021-2022 तक भी इसको मान के चले तो भी बड़ा कमाल का ये आंकड़ा है. दोस्तों आगे क्या रोड क्या है इसको जानने से पहले प्लीज दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड डू नॉट हेजिटेट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप सबके लिए वीडियोस बनाते हैं. दोस्तों आप उनको थैंक्स करने के लिए, उनको एक रिस्पेक्ट या रिगार्ड करने के लिए प्लीज आप उनके चैनल्स को, मेरे ही नहीं सभी के चैनल्स को आप जाके प्लीज सब्सक्राइब क्या कीजिए. जिसकी भी वीडियोस आप देखते हैं अगर आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए और प्लीज दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए. इससे क्या होता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको कंटेंट देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट अच्छा लेके आते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि जनता उनको पसंद कर रही है, तो उनको मोटिवेशन मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है एक नया वीडियो आपके लिए लेके आने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं, आर लाइकली टू बी द न्यूअर एंड अनटैप्ड मार्केट्स. दोस्तों अगर आपने बजट को सुना हो ढंग से तो हमने असम की बात की, हमने दार्जिलिंग की बात की, हमने मिजोरम, मेघालय, जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर सड़कों का, हाईवेज का काम बड़ा तगड़े तरीके से चल रहा है, जो एक अनटच्ड मार्केट है. सोचिए कितना बड़ा काम वहां पे होने वाला है. इन द नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया कुड बिकम, ध्यान दीजिएगा इस लाइन के ऊपर में, नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया कुड बिकम द मेन एक्सपोर्टर ऑफ क्लिंकर एंड ग्रे सीमेंट टू द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड अदर डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है गाइस. सीमेंट प्लांट्स नियर द पोर्ट्स, फॉर इंस्टेंस द प्लांट्स इन गुजरात एंड विशाखापट्टनम विल हैव एन एडेड एडवांटेज फॉर द एक्सपोर्ट. जी हाँ, अगर वहां पे प्लांट बना दिए जाते तो वो एक्सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होने वाली है एंड लॉजिस्टिकली विल बी आर्म टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सीमेंट प्लांट्स इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. दोस्तों जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, ये पूरा मानना है जो हमारे एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के, कि दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच 550 टू 600 मिलियन टन पर एनम बाय ईयर 2025. बहुत जबरदस्त नंबर्स होने वाले हैं. नंबर फोर इन प्लेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एंटर द सीमेंट सेक्टर. बिल्कुल उनको जो प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई दिखाई देंगे, स्टडी डिमांड दिखाई देगी, तो फॉरन प्लेस जरूर आएंगे गाइस, FDI भी इसमें जरूर आएगी. ये आपके सामने मैं देश का वो हिस्सा रख रहा हूँ जहाँ पे सीमेंट क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा सीमेंट पैदा होती है. नंबर वन है राजस्थान, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहां से मुख्य है जो सीमेंट प्रोडक्शन हमारे यहां पे आता है. दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. ये तो था सीमेंट सेक्टर के बारे में, आपको एक थोड़ा सा हाईलाइट मिल गई होगी सीमेंट सेक्टर क्यों जरूरी है. हर चीज में सीमेंट है, घर बनाना है तो सीमेंट है, बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल स्पेसेस बनाने तो सीमेंट चाहिए, सड़कें बनानी है तो सीमेंट चाहिए, आज हर जगह सीमेंट चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जा रही है तो सीमेंट चाहिए. दोस्तों सीमेंट ही मजबूत आधारशिला रहती है किसी भी बिल्डिंग की नींव की. जब वो नींव बनाई जाती है तो उसको कॉन्क्रीट और सीमेंट के मिक्सचर से ही बनाया जाता है. तो आज की डेट में पहले 2 मंजिल के घर हुआ करते थे, फिर 4 मंजिल के घर होने लगे, फिर अब अपार्टमेंट्स का कल्चर आ गया है, तो 10-10, 12-12, 20-20 मंजिल सोसाइटीज बन रही हैं, हाउसहोल्ड की बहुत जबरदस्त डिमांड है, तो सीमेंट की डिमांड होगी ही होगी गाइस. जैसे जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, तो हाउसहोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है, फ्लैट्स की डिमांड बढ़ने वाली है, घरों की डिमांड बढ़ने वाली है, और ऐसा करते करते एक्चुअल में नटशेल में सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है. दोस्तों हम क्या करते हैं, हम गाड़ी खरीदने आते हैं तो गाड़ी को तो देख लेते हैं, गाड़ी की डिमांड है, मारुति की डिमांड है या आयशर मोटर की डिमांड है, किसी की भी डिमांड है, उस गाड़ी को बनाने वाले जो कल पुर्जे हैं, इंसिलरी हैं, जो ऑटो पार्ट्स हैं, अगर हम उस पर भी ध्यान दें तो जैसे मारुति का शेयर बढ़ता है तो मारुति को सप्लाई करने वाले ऑटो एंसिलरीज के शेयर्स भी बढ़ते हैं. वहां पे बहुत बड़ा चंक होता है पैसा बनाने का, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का. दोस्तों इसमें हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो देश की 10 दिग्गज कंपनीज हैं और जिसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर और सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर के सीरीज में मैंने इसको, इस सीक्वेंस को मैंने शॉर्ट किया आपके लिए. आई होप दिस वीडियो विल अपील यू और आपको पसंद आए. दोस्तों डोंट फॉरगेट टू कमेंट. और अगला किस वीडियो किस सेक्टर पर हो सकता है आप मैसेज कीजिए, मैं तो सभी सेक्टर बनाने वाला हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिसके बारे में आएंगे मैं उस सेक्टर पर पहले वीडियो बनाऊंगा. राइट, ठीक है. तो सबसे जिन लोगों को खाली नाम जाना है और भाग जाना है तो उन लोगों के लिए मैं 10 नाम रख रहा हूँ. सबसे पहला नाम है टेक सीमेंट, दूसरा है अंबुजा सीमेंट्स, ACC सीमेंट्स, नेक्स्ट बता सकते हैं आप कोई? आपको चलो 5 सेकंड का टाइम देता हूं, कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, देखते हैं कितने लोग मैच करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5.
श्री सीमेंस, यस, जिनको जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा मुबारक को, कांग्रेचुलेशंस, यू नो दिस इंडस्ट्री वेरी नाइस। देन फिफ्थ इज दालमिया भारत, आपने सुना भी नहीं होगा। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिरला सीमेंट आपने जरूर सुनी होगी। इंडिया सीमेंट्स आपने सुना होगा, शेयर आपने सुना होगा। रैमको सीमेंट्स आपने सुना होगा, ओरियंट सीमेंट, ग्लासियस, हेडलबर्ग सीमेंट्स इंडिया। मेरे और भी बहुत सारी सीमेंट कंपनीज हैं, बट मैंने सिर्फ 10 कंपनीज को यहाँ पे लेकर रखा हूँ, उनके मार्केट शेयर के हिसाब से, उनके रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से, और ये देखते हुए कि ये दिग्गज कंपनीज है। दोस्तों जिनको यहाँ तक का शॉर्टकट चाहिए था, अपने एनालिसिस कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय द वीडियो, यू कैन एंजॉय योर टाइम, यू कैन लीव द वीडियो, बट अदरवाइज अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है तो वीडियो में बने रहे, थोड़ी सी देर हो, थोड़ी सी देर। दोस्तों ज्ञान के लिए, फॉर नॉलेज यू हैव टू स्पेंड टाइम, एंड दैट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ वेल लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट अल्ट्राटेक सीमेंट, पहली कंपनी है इस लिस्ट में, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। जी हाँ, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्रे सीमेंट में, रेडीमिक्स कंक्रीट के अंदर में, व्हाइट सीमेंट के अंदर में, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी। पता नहीं कितने लोगों को मालूम था, नहीं पता तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू। अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट अमंग द टॉप 5 सीमेंट कंपनीज इन इंडिया, एंड अल्ट्राटेक इज द सब्सिडियरी ऑफ ग्रैसिम इंडस्ट्रीज। जी हाँ, ग्रैसिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसका रेवेन्यू है 38,657 करोड़, 38,657 करोड़, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 102.75 मेट्रिक टन पर एनम। सोच के देखिए, सरकार को चाहिए, हमारा लक्ष्य है 550 मेट्रिक टन पर एनम का। प्रोडक्शन कैपेसिटी 102 मेट्रिक टन की, हमने अभी एस्टिमेट की बात की थी 550 मेट्रिक टन बाय 2025, जिसमें से 100 मेट्रिक टन तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही प्रोड्यूस करती है। एम्प्लॉयज हैं 1,20,000 एम्प्लॉयज इस कंपनी के अंदर में। मार्केट शेयर है 21.4%, मतलब 100 में से 21% मार्केट शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट के पास में। आप सोच सकते हैं आपको आपके पोर्टफोलियो में किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। द कंपनी हैज ए कंसोलिडेटेड कैपेसिटी ऑफ 102.75 मिलियन टन पर एनम ऑफ ग्रे सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट हैज 20 इंटीग्रेटेड प्लांट्स, 1 क्लिंकराइजेशन प्लांट, 26 ग्राइंडिंग यूनिट्स, 7 बल्क टर्मिनल्स। इट इज द लीडिंग सीमेंट कंपनी इन इंडिया, मोनोपोली है भाई, मार्केट शेयर जिसके पास 21%, और बड़ी तगड़ी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में और भी चीजें देख लेते हैं। इट्स ऑपरेशन स्पैन अक्रॉस इंडिया, यूएई, बहरीन, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अल्ट्राटेक सीमेंट इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सीमेंट, रीचिंग आउट टू मीट द डिमांड इन द कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन एंड मिडल ईस्ट। अल्ट्राटेक इज द बेस्ट सीमेंट इन इंडिया। मार्केट कैप इज 107.207 करोड़, 1,07,207 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 35.6561, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। डिविडेंड यील्ड है 0.29%। आरओसीई है 10.22%, विच इज अट्रैक्टिव। आरओई इज 8.58%, विच इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव। सेल्स ग्रोथ इज इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 3 years एट अ स्पीड ऑफ 14.12% पर एनम, एंड प्रमोटर होल्डिंग इज 61.68%। दिस इज अ वेरी वेरी अल्टीमेट फिगर विच आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जो फिगर्स दे रहा हूँ ये फंडामेंटल स्टडीज करके दे रहा हूँ गाइस, इन कंपनीज के बारे में जो इनको बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80, बड़ी कंपनीज में डेट जरूर होता है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1, विच इज अगेन वेरी गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.78, मतलब जो प्राइस बुक वैल्यू का होता है उससे 3.78 टाइम्स ही कंपनी ट्रेड कर रही है, विच इज फेयर एनफ। जो कंपनी महंगी होती चली जाएगी उसका प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा कम होगा तो ही कंपनी अट्रैक्टिव होगी। इन द व्हाइट सीमेंट सेगमेंट, अल्ट्राटेक गोज टू द मार्केट अंडर द ब्रांड ऑफ बिरला व्हाइट। आपने सुना ही होगा, बिरला व्हाइट का बहुत ही फेमस ब्रांड है, मोनोपोली है मार्केट में उसकी। इट इज अ व्हाइट सीमेंट प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 0.56 मेट्रिक टन पर एनम, एंड 2 वॉल केयर पुट्टी। वॉल केयर पुट्टी की एड आपने सुनी होगी, प्लांट्स विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 0.8 मेट्रिक टन पर एनम। अल्ट्राटेक इज द वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट कंपनी, एब्सोल्युटली इट इज इंडीड। इट एम्प्लॉयज अ डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, 1,20,000 आदमी इसमें काम करते हैं, आपको पता ही लग गया। बिलोंगिंग टू 42 डिफरेंट नेशनलिस्ट, 1,20,000 से ज्यादा लोग इसमें कंपनी में काम करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आती है अंबुजा सीमेंट, इसका भी आपने नाम सुना ही होगा। अंबुजा सीमेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट लफार्ज। लफार्ज की आपने एड सुनी होगी, ये नाम कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बहुत सुना होगा, बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम है। इज अमंग द टॉप 10 सीमेंट कंपनीज इन इंडिया, एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नंबर 1 वाज अल्ट्राटेक, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज अंबुजा सीमेंट्स। इसके बारे में देख लेते हैं, इसका रेवेन्यू है 26,646 करोड़, विच इज ह्यूज। प्रोडक्शन कैपेसिटी 29.65 मेट्रिक टन पर एनम। अल्ट्राटेक का था 102, इसका है 29। एम्प्लॉय है 5,000 एम्प्लॉयज में काम करते हैं। मार्केट शेयर 6% है, 21% अल्ट्राटेक के पास है, 6.2%। सोचिए अल्ट्राटेक में और अंबुजा में फर्स्ट और सेकंड में कितना बड़ा मार्केट शेयर का डिफरेंस है। अंबुजा सीमेंट के बारे में और चीज जान लेते हैं। मार्केट कैप है 39,187 करोड़, उसका 1 लाख से ऊपर था। स्टॉक का पी है 15.76। डिविडेंड यील्ड है पॉइंट, डिविडेंड यील्ड नहीं है इसका। आरओसी 15.03%, विच इज अट्रैक्टिव। आरओई इज 10.59, विच इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव। सेल्स ग्रोथ है 40.26 का, जबरदस्त का सेल्स, जबरदस्त सेल्स ग्रोथ इसका देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग फिर से 60% से ऊपर में, विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है गाइस, में कोई डेट नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.70, विच मेक्स अंबुजा सीमेंट्स
मोर मोर अट्रैक्टिव, बहुत ही जबरदस्त नंबर्स है अंबुजा सीमेंट्स के। अंबुजा सीमेंट हैज प्रोवाइडेड हैसल फ्री होम बिल्डिंग सॉल्यूशंस विद यूनिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। थर्ड नाम है एसीसी, बड़ा चर्चा में रहता है, लोगों को एसीसी के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एसीसी लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द सीमेंट एंड रेडी मिक्स कॉन्क्रीट विद 17 सीमेंट फैक्ट्रीज, 75 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स, ओवर 6,700 एम्प्लॉइज, क्या बात है, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 50,000 प्लस डीलर्स, 50,000 से ज्यादा डीलर हैं, रिटेलर हैं कंट्री में, और थर्ड सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया में। रिवेन्यू है 15,398 करोड़ का, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 28.4 मेट्रिक टन पर एनम, एम्प्लॉइज हैं 6,731 के आसपास एम्प्लॉइज हैं, 6% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। एंड एसीसी हैज कंसिस्टेंटली सेट बेंचमार्क्स इन सीमेंट एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1936 फ्रॉम द भाखड़ा नांगल डैम इन 1960 टू द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। एसीसी सीमेंट इज एट द फाउंडेशन ऑफ आइकॉनिक लैंडमार्क्स ऑफ द कंट्री, बड़ा तगड़ा नाम है, बड़ा जबरदस्त मार्केट है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। इन 2005 एसीसी लिमिटेड बिकेम अ पार्ट ऑफ द रेपुटेड हॉलकिम ग्रुप ऑफ स्विट्जरलैंड एंड 2015 हॉलकिम लिमिटेड एंड लफार्ज साउथ अफ्रीका केम टुगेदर इन अ मर्जर ऑफ इक्वल्स टू द फॉर्म लफार्ज हॉलकिम द न्यू वर्ल्ड लीडर इन द, यस प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इट इज द न्यू वर्ल्ड लीडर इन द बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्री। एसीसी सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट ब्रांड इन इंडिया। What else about ACC? Market cap है 27,886 करोड़ का, stock काफी है 16 का, which is attractive. Dividend yield है 0.94, wonderful. ROC is 16%, ROE is again 15.28%, which is very very excellent. Sales growth 8.13, sales थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, but ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा pick up करेगा. Promoter holding है 54%, which is fine. Debt to equity कोई debt नहीं है company के अंदर में. Price to book value 2.54. And fourth is श्री सीमेंट्स। श्री सीमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, आपने सुना होगा जंग रोधक सीमेंट, श्री सीमेंट जंग रोधक सीमेंट, बांगर सीमेंट, और इस सीमेंट में जान है, आपने ऐड देखी होगी रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, ये सब हमारे श्री सीमेंट्स के ब्रांड हैं। इट इज द फोर्थ अमंग द टॉप 10 कंपनीज इन द इंडिया, एंड बांगर फैमिली ने इसको स्टार्ट किया था 1979 में, जो कोलकाता से बिलोंग करती है। टुडे इट्स सीमेंट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 29.30 मेट्रिक टन, 30 मिलियन टन्स। रेवेन्यू इज 12,555 करोर्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी 29 MTPA, एम्प्लॉइज हैं इसमें 6,299, 6,300 मान लीजिए, मार्केट शेयर 7% का मार्केट शेयर है इसका। उसके बाद अगर देखने की कोशिश की तो इसका जो IPO आया था, पब्लिक इशू इसका आया था 1984 के आसपास में, इसका IPO आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में। 1985 में इसके पास जो एम्प्लॉइज थे वो खाली 100 थे, और आज की डेट में 6,299। कंपनी का साइज कहां से कहां चला गया है, मार्केट कैप 64,420 करोड़, मार्केट कैप 64,420 करोड़, स्टॉक का पी है 56, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली अगर आप देखेंगे तो। डिविडेंड यील्ड है 0.32%, आरओसी 12%, आरओई 12%, सेल्स ग्रोथ 31.56%, प्रमोटर होल्डिंग 64.79%, प्रमोटर को अपने शेयर पे भरोसा है। डेट टू इक्विटी इज 0.29, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल। Price to book value 6 times. It is trading at a price to book value 6.66 times, which is very, very costly. That is why, देखिए ऐसा नहीं है कि price to book value में आपको कहा कि अगर सस्ता होगा तो ही stock का price attractive है, अच्छा है। Stock का PE महंगा हो सकता है, price to book value महंगी हो सकती है, तभी companies के share हजारों में चले जाते हैं। पांचवें नंबर की कंपनी आती है डालमिया भारतीय, से कुछ ब्रांड्स आपके सामने दिख रहे हैं। वज्रम है उसका एक ब्रांड, कोणार्क उसका एक ब्रांड है, डालमिया अल्ट्रा उसका एक ब्रांड है, और बहुत सारे ब्रांड्स इसके हैं। डालमिया भारत इज द फिफ्थ अमंग द टॉप 10 कंपनीज इन द कंट्री। द कंपनी हैज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, डालमियापुरम एंड अरियालूर एंड आंध्र प्रदेश कडप्पा विद अ कैपेसिटी ऑफ 9 मिलियन टन्स पर एनम। It is among the list of the best cements in the country. And the revenue is 9,642 crores. Production capacity is 26.5 metric ton per annum. Employees are 5,634. Market share is 5%. Leader in cement manufacturing since 1939. DCBL is a multi-Dalmia Bharatiya baat kar rahe hain. It's a multi-spectrum cement played with a double-digit market share. And a pioneer in super speciality cement used for oil wells, railway sleepers and airstrips. It is last in the list of top 5 सीमेंट कंपनीज इंडिया, मतलब टॉप पांचवें नंबर पे ये आती ही आती है। मार्केट कैप 16,300 करोड़ के आसपास का, स्टॉक का पी 40 का है, डिविडेंड यील्ड 0.24% है, आरओसी 4% का है, आरओई 1.76, बहुत ही कम अट्रैक्टिव है।
गाइस, बट फिर भी पांचवें नंबर पे कंपनी आती है। प्रमोटर होल्डिंग 54% के आसपास है, डेट टू इक्विटी 0.55 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.54%। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही डेढ़ गुना के आसपास मिल रही है, तो आपको लगे बहुत अट्रैक्टिव है, बट आरओसी मतलब आप आरओसी से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, जो पैसा कंपनी में आ रहा है उसको वापस री इन्वेस्ट करके कंपनी क्या ग्रोथ कर पा रही है, क्या रिटर्न निकाल पा रही है। तो यहाँ पे आरओसी 4.4% है, बहुत सी कंपनी का आरओसी नेगेटिव ही होता है, बट कम से कम इसका पॉजिटिव है, तो थोड़ा बहुत ठीक है, मान सकते हैं इसको। एंड इट होल्ड्स अ स्टेक ऑफ 74% इन ओसीएल इंडिया लिमिटेड, अ मेजर सीमेंट प्लेयर इन ईस्टर्न रीजन। ओसीएल इज मेजर प्लेयर इन ईस्टर्न रीजन, रिसेंटली एक्वायर्ड द ब्रांड्स आधुनिक सीमेंट एंड कैलकम सीमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। तो आप सोच लीजिए अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पे दालमिया भारत बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये सारे फैक्टर्स जो आरओसी, डिविडेंड यील्ड, स्टॉक पी, ये सब चेंज हो जाएंगे बाद में अगर इसको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, अगर इसको जबरदस्त काम मिल जाता है। द ग्रुप नाउ कंट्रोल्स एन एक्सपेंडेबल कैपेसिटी ऑफ 25 मिलियन टन्स। दोस्तों ये थे टॉप के पांच नाम, और अगली वीडियो में हम बात करते हैं अगले पांच नामों की जो टॉप 10 लिस्ट को पूरा कर देंगे। आई होप ये वीडियो लंबा नहीं होगा, इंटरेस्टिंग हो रहा, और उस वीडियो के बाद में आप अगली दूसरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जहां पे नेक्स्ट 5 नाम आपको दिए हैं, उसके बारे में सब डिटेल्स आपको मिलने वाली है।